हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना फर्स्ट पेड सर्विस एक्सपीरियंस हीरो के सर्विस सेंटर पर कैसा रहा, कि क्या उन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज करने की कोशिश करी और मेरे जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो पाए या नहीं हो पाए, और उन्होंने मुझे फर्स्ट पेड सर्विस का कितना चार्ज किया, क्या मुझे ठगने की कोशिश की, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट पेड सर्विस हुई है वो लगभग कितने पर हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,250 किलोमीटर पर मेरी जो है फर्स्ट सर्विस हुई है। वैसे 12,000 हो जाती है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा चल गई थी, और अभी भी जो है 500 किलोमीटर चल गई है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आप बात करते हैं अपने पॉइंट्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे इस बाइक में क्या क्या इशू आए और उससे पहले क्या क्या आ रहे थे। तो सबसे पहला इशू जो मुझे आ रहा था वो था चेन का। मैं इसको कितना भी टाइट करवा लूँ या फिर इसमें ल्यूब करवा लूँ, लेकिन इसमें जो है खड़गड़ की आवाज़ आए ही जा रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने वहाँ पे ये इशू बताया तो उनका जो एडवाइज़र था उन्होंने कहा कि वो उसे ठीक कर देंगे। अब उन्होंने ठीक करने में क्या किया कि पूरी चेन को जो है इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने पता नहीं हथौड़ा मार मार के उसको पता नहीं क्या किया, बट उन्होंने उस टाइम कहा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइट भी कर दिया, लेकिन मुझे उसमें कोई भी चलाने के बाद 1% भी उसमें चेंजेस फील नहीं हुए कि वो बेटर हुई है, बिल्कुल भी चेंजेस फील नहीं हुए। तो मैं उसमें तो बिल्कुल भी इस पॉइंट से बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा कि मैं सेटिस्फाई हूँ। दूसरा पॉइंट मेरा क्या था कि इसका जो हैंडल बार है, यहाँ से जो है आवाज़ आती है जब भी ये गड्ढों में जाती है। अब ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता थी कि ये क्यों होती है, लेकिन बाद में चल के मेरे को पता चला कि ये जो है रेसर सेट ख़राब होने के वजह से होती है। अब ये चीज़ मुझे बाद में जाके पता चली, लेकिन अब तक जब फ्री सर्विस इनकी चल रही थी मैं हर बार जाके उनसे कहता था कि भैया इसमें आगे से जो है हैंडल में से जब भी मैं गड्ढों पर जाता हूँ तो आवाज़ आती है। अब मैं हर बार जाके कहता था तो वो क्या करते थे, वो यहाँ पर पेच घुसाते थे अंदर, इसमें अंदर पेच घुसाते थे और पेचकस से वो हैमर से उसे मार मार के पता नहीं क्या करते थे, कुछ टाइट करते थे, यहाँ पे होता है कुछ टाइट करने का वो करते थे, और उससे बोलते थे कि हाँ हो गया ठीक है। और उन्होंने मुझे, मैं लगभग 3 बार सर्विस सेंटर पे ये चीज़ मैंने कंप्लेन की थी फ्री सर्विस के टाइम पर, बट तीनों बार जो है ये इशू मेरे बताने के बाद भी ये रिजॉल्व नहीं हुआ था फ्री सर्विस में। उसके बाद जब आई पेड सर्विस की बारी तो क्या हुआ कि अब जब मैं इस चीज़ का काम कराऊंगा तब तो मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो फ्री सर्विस ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने कहा ठीक है हम चेक करते हैं। अब सेम ही सर्विस सेंटर की बता रहा हूँ, मैं सेम सर्विस सेंटर में चौथी बार ये इशू लेकर गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब उनसे उन्होंने इस चीज़ को देखा, फिर उन्होंने क्या किया कि इसका ये हैंडल पूरा खोला था, इसकी क्लिप आपको दिख जाएगी, और खोलने के बाद उन्होंने जो रेसर सेट में जो बॉल्स होती हैं वो निकाली, उस पर जो है ग्रीसिंग करी, उसके बाद उन्होंने इसे दोबारा लगा दिया। अब लगाने के बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने कहा, उन्होंने फिर सब कुछ ठीक करने के बाद उन्होंने फिर हम राइड टेस्ट राइड के लिए निकले तो टेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया गड्ढे में लेके गए बहुत प्यार से, और उसमें जो था बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही थी। अब जाहिर सी बात है यार, प्यार से गड्ढों में लेके जाओगे तो तब थोड़ी ना आवाज़ करेगी। फिर उसके बाद मैंने एक जगह पे आवाज़ आई भी जब उनका बंदा चला रहा था, फिर जब मैंने उससे बोला कि हाँ देखो भाई अब आवाज़ आई आपको, तो उनका बंदा क्या बोलता है कि नहीं मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, और मतलब कि सामने आवाज़ आ रही है और फिर भी उनके लोग क्या बोलते हैं कि मतलब हम पागल हैं, हमें सुनाई नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बहुत ही गंदा बिहेवियर लग रहा था मेरे को कि मतलब कि ये बहरे हैं या इन्हें सुनाई नहीं आता है, तो वो वाली चीज़। फिर उसके बाद मैंने कहा कि लाओ मैं चलाऊंगा, मैंने चलाने के बाद उसको दिखाया कि हाँ भाई आवाज़ आ रही है, तब जाके वो एग्री हुआ कि हाँ आवाज़ अभी भी आ रही है। उसके बाद जाके हम दोबारा गए, उसके बाद वो क्या बोलता है कि इसमें रेसर सेट डलेगा। अब रेसर सेट उन्होंने पहले नहीं बताया, अब फिर मैंने कहा चलिए ठीक है आप रेसर सेट डाल दीजिए। रेसर सेट उनके पास अवेलेबल नहीं था, उन्होंने कहा ऑर्डर पे आएगा। अब ऑर्डर पे आएगा तो आप एक बात बताइए, जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, आपने काम किया है लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो मैं उस चीज़ का पे क्यों करूँगा। लेकिन उनका क्या था, वो ज़बरदस्ती पीछे पड़ गए कि भाई इसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती उसका मुझे पे करना पड़ा। मेरी वहाँ पे काफ़ी मैनेजर से भी बात हुई थी लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे इस चीज़ के लिए। तो अभी भी उन्होंने जो है रेसर सेट के लिए मुझे कोई कॉल नहीं करी है कि रेसर सेट आ गया है आप जाके पढ़वा लीजिए। फिर दूसरी प्रॉब्लम मेरी ये थी। उसके बाद मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी कि इसके पिकअप में, मुझे जो तीसरी प्रॉब्लम आई थी मुझे पिकअप में आ रही थी कि इसका पिकअप मुझे पहले से बहुत ज़्यादा कम लगने लगा था। फिर वो तो जो है इंजन ऑयल चेंज करने के बाद जो है उन्होंने थोड़ी सी ट्यूनिंग करी, उसके बाद जो है पिकअप वगैरह तो मुझे बिल्कुल सही लगने लगा था। लेकिन मेजर मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैं काफ़ी टाइम से परेशान था इसके हैंडल को लेके, हैंडल में मुझे काफ़ी ज़्यादा इशू लग रहा था।
लेकिन जो है फ्री सर्विस में इन्होंने ठीक किया नहीं, पेड सर्विस पे ये बहाने मारने लगे और बात को सॉल्व करने की जगह मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि ये अब जो है सिर्फ पैसों से मतलब है उन्हें और जो है इन्हें रिजॉल्व करने से मतलब नहीं है। तो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस था जो एक रेसर सेट की वजह से ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही थी और रेसर सेट भी उनके पास था नहीं जो कि वो दूसरा इसमें डाल देते और जो उन्होंने काम किया उससे बेनिफिट तो कुछ भी नहीं हुआ, आवाज़ तो फिर भी आ रही थी लेकिन उसके लिए भी उन्होंने चार्ज लिया मुझसे और देना पड़ा मुझे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही थी और वो लोग भी नहीं मान रहे थे, मैं भी नहीं मान रहा था। तो एट दी एंड उन्होंने क्या मुझे सोल्यूशन दिया कि आप अभी पे कर दीजिए और जब आप रेसर सेट इसमें डलवाएंगे तब हम आपसे कोई भी पे चार्ज नहीं करेंगे रेसर सेट इसमें इंस्टॉल करवाने का। तो ऐसा कुछ उन्होंने मेरे साथ डील की, मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक उन्होंने कोई कॉल नहीं करी है, लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं उस चीज़ को, अभी तक उन्होंने मुझे कोई भी कॉल नहीं करी है। और अब मैं बताता हूँ आपको कि मेरा जो टोटल बिल बैठा था वो कितना बैठा था। तो बिल मेरा लगभग बैठा था 1200 या 1100 रुपए के आसपास। इस टाइम मैं इसका बिल मेरे पास नहीं है लेकिन हाँ मैं फ़ोटो लगा दूंगा तो फ़ोटो में आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट बिल कितना था। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ में आप देख पा रहे होंगे कि एग्जैक्ट इसका जो बिलिंग थी वो इतने की हुई थी, हालांकि ज़्यादा नहीं थी क्योंकि जो फ्री सर्विसेज हो रही थी फ्री सर्विसेज मुझे लगभग पड़ रही थी 500 से लेकर 600 के बीच, तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लगी नहीं। लेकिन हाँ मैं ये सोच रहा था कि शायद हो सकता है ये लोग मुझसे 1500 रुपये तक चार्ज कर लें, लेकिन हाँ उन्होंने इतना किया नहीं। तो ओवरऑल जो था एक्सपीरियंस बिलिंग को लेकर तो ठीक था, मुझे खैर ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन हाँ जो इसका एक हैंडल को लेकर इशू था वो उन्होंने बिल्कुल भी सॉल्व करके नहीं दिया, इवन दो वो मान भी नहीं रहे थे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस टाइप से उनका कुछ बिहेवियर था। और ये था मेरा फर्स्ट पेड सर्विस का एक्सपीरियंस। और आपकी सिटी में हो सकता है अच्छी सर्विस दे दें हीरो के सर्विस सेंटर पर मुझे इससे कुछ खासा सर्विस मिली नहीं, लेकिन हाँ मैं वहीं मुरादाबाद में जाके अगर जब सर्विस करवाता हूँ तो वहाँ पे मेरे जानने वाले हैं तो वो काफ़ी अच्छे बिना कहे भी काफ़ी अच्छी सर्विस करके दे देते हैं। तो ये था ओवरऑल मेरा सर्विस एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इस बाइक से रिलेटेड आपकी और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।